हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो इस वक्त की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यूट्यूबर्स के साथ आ रही है वो आ रही है व्यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में हर कोई क्रिएटर बना बैठा है, तो वीडियो कौन देखेगा, व्यूअर कौन बनेगा और व्यूज़ आएंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत क्वालिटी कंटेंट हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे वीडियोस तक ऑडियंस नहीं पहुंच पाती हैं। दोस्तों, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी वीडियो तक ऑडियंस आएगी, लेकिन उसके बाद आपके जो कंटेंट है, आपका जो वीडियो है, उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि क्या वो आपको लंबा वॉच टाइम दे पाएगा उस व्यूअर से, या फिर आपको एक सब्सक्राइबर मिलेगा जो भी उस वीडियो तक पहुंचेगा। वीडियो तक पहुंचाने के लिए व्यूअर्स को, वो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखना पूरा, कहीं भी मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मैंने खुद अजमाया होगा हुआ है और प्रूफ के साथ ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको मैं लेकर आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और यहाँ पे एक चैनल मैंने खोल रखा है यूट्यूब ऐप के ऊपर, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ें। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके व्यूज़ रेगुलर बढ़ते रहें, रेगुलर लोग आपके एटलीस्ट वीडियोज़ तक पहुँचें, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। कुछ भी पता ना लगे तो ज़रूर पूछना, ठीक है। इस चैनल के हम चलते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर, मैं आपको कुछ वीडियोज़ इसके दिखाता हूँ। तो आप इसके वीडियो और इसके टाइटल्स पे थोड़ा ध्यान देना और व्यूज़ भी देखना, ठीक है। इसने इस चैनल के ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब टिकटॉक से उठा के वीडियोज़ डाल देते हैं और टाइटल कुछ इस तरह से रहते हैं, हैश टैग्स, ओनली हैश टैग्स ये लगाती हैं, ठीक है, या लगाता है जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी के सभी वीडियोस टिकटॉक के मिलेंगे। बेशक ये मोनेटाइज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये देखो, ये मार्च 24, 2019 में लगाया था और 1300 सब्सक्राइबर और इतने 1 लाख, मतलब 2 लाख के आसपास होने वाले हैं व्यूज़। तो मतलब ये है कि ना इसने टाइटल लगाया, ना डिस्क्रिप्शन, ना टैग्स, कुछ भी, बस ये हैश टैग्स यूज़ करता है बंदा और वीडियोस डालता है टिकटॉक के, ठीक है। फिर भी इसके पास देखिए व्यूज़ 12,000, 6,000। तो मतलब क्या है कि एक तो इसके थंबनेल्स काम कर रहे हैं और दूसरा इसके हैश टैग्स। तो ये हैश टैग्स कहाँ से निकालता है, मैं ये हैश टैग्स निकालना आपको बताने वाला हूँ। और इस चीज़ को लाइटली मत लेना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोलूँगा आप करोगे और वो हो जाएगा। अपनी रेगुलर 7 से 8 वीडियो लगातार आप डालिए, और 7 वीडियोस के बाद मुझे बताना अपना रिज़ल्ट, क्या लोग आपकी वीडियोस तक खुद पहुंचे बिना आपके शेयर किए हुए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि मैंने यूज़ किया है अपने, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक चैनल बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले। तो ये एक चैनल के ऊपर मैंने वीडियो डाला था, एक पोइम थी, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कोई सब्सक्राइबर है ना कुछ है, देखो 1 सब्सक्राइबर है, कुछ नहीं है इस चैनल के ऊपर, फिर भी मतलब 250 लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, वही हैशटैग्स का कमाल है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखना, मैं खोल के थोड़ा इसका एनालिटिक्स आपको रूबरू कराता हूँ। सर्च में चलेंगे इसमें, ठीक है, कि किस वजह से इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं। लाइफ टाइम करवा के देखो, इसमें जब ये आपका विराट और अनुष्का की मैरिज हुई थी तो एक विरुष्का नाम से हैशटैग्स वायरल हुआ था, ठीक है। फिर मैक्स वुमेन फेस्ट है, मेक लाइफ कन्वर्टिबल, तो ये बहुत सारे हैशटैग्स ऐसे हैं, इनकी वजह से कितने व्यूज़ आए, 20%, 13%, 10%। तो अगर मैं रेगुलर ऐसे ऐसे हैशटैग्स लगाता रहूँगा तो 300 लोगों ने बिना सब्सक्राइब वाले, एक भी सब्सक्राइब नहीं है, देखो 1 सब्सक्राइबर है ओनली, तो 300 व्यूज़ आ चुके हैं। तो यही ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, एटलीस्ट आपके व्यूज़ तो आएंगे, फिर अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर नहीं अच्छा होगा तो भाई आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा काम है कि व्यूज़ आप तक आएंगे, ऑडियंस आपके चैनल तक विज़िट करेगी, उसके बाद आपका कॉन्टेंट और आपका मटेरियल, आपकी चीज़ें जो आप बनाते हो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि क्या वो बंदा दोबारा आपकी वीडियो पर आना चाहेगा या नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों वो ट्रिक।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अब ये ट्रिक कि जब भी आप अपना YouTube ऐप खोलते हो या फिर वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक ऐड मिलती है डेली नई ऐड, वो एक 24 आवर्स तक वहाँ पे रहती है। जैसे कि आज लगी हुई है Realme 5 Pro की, ठीक है, और यहाँ पे डेली 24 आवर्स के बाद ऐड चेंज होता है, वीडियो चेंज होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपने क्लिक कर दिया और जाना है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो 14 मिलियन लोग इसको दोस्तों देख चुके हैं, जब ये लगा था तो इस पर एक भी व्यू नहीं था, ठीक है, या फिर जो इसके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं वहाँ से व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये YouTube पे वर्ल्ड वाइड फर्स्ट पेज पे शो हो रही है तो इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं। और इसके अंदर में जितने भी हैशटैग्स लगे होते हैं दोस्तों, ये आपको उठा लेने हैं, ठीक है। यही वाले हैशटैग उस बंदे ने अपने चैनल पे किए हुए, और मैंने जो आपको एक वीडियो दिखाया उसके अंदर भी यही वाले हैशटैग्स मैंने यूज़ किए थे, एक्सपेरिमेंट किया था। और जैसे ही ये वीडियो 14 मिलियन अभी है, थोड़ी देर बाद देखोगे यहाँ पे 25 मिलियन हो जाएगा, 30 मिलियन हो जाएगा, और जो जो इस वीडियो को विज़िट करेगा आपकी वीडियोस भी सजेशंस में आएगी, ये हैशटैग्स की वजह से आपको व्यूज़ मिलेंगे। अपना थंबनेल जो है वो बिल्कुल बेस्ट और अट्रैक्टिव बनाएं ताकि लोगों जैसे ही नज़र पड़े वो उसमें घुसें। उसके बाद आपका कॉन्टेंट बहुत बेस्ट होना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ। पहली वीडियो में नहीं आएंगे, दूसरी में नहीं आएंगे, आप लगातार 10 वीडियोज़ में लगा के देखो डेली। जब जैसे ही चेंज होता है यहाँ पे वीडियो, नया ऐड लगता है, आप तुरंत उसके हैशटैग्स उठाओ और कोई वीडियो अपलोड को जी पुरानी वीडियोस में हैशटैग्स डालोगे तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको लेटेस्ट अपलोड करनी है उसी वक्त वीडियो अपलोड करो और उसमें ये वाले हैशटैग्स लगाओ और बढ़िया सा थंबनेल लगाओ। 10 वीडियोस में ऐसा करके देखना दोस्तों, जितने भी लोग आप देख रहे हो आपको व्यूज़ मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और नहीं मिलेंगे तो मुझे बताना आगे, लेकिन एक वीडियो से फैसला मत करना, अपनी 10 वीडियोस में ये चीज़ ट्राई करना। जो फर्स्ट पेज पे ऐड लगती है डेली चेंज होती है यूट्यूब की, वहाँ से जितने हैशटैग्स उसमें लगे होंगे वो सारे के सारे उठा के अपनी वीडियो में डालना, ठीक है। आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको व्यूज़ आएंगे, हज़ारों में आ जाएंगे या फिर 100 में आएंगे, 200, 400, 500, 5000, 10000 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपके कंटेंट में कितनी जान है, लोग दोबारा आपके चैनल पे आना चाहेंगे या नहीं। मेरा काम था आपको बताने का व्यूज़ के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि व्यूज़ नहीं आते। एटलीस्ट चलो मैं आपको व्यूज़ दिलाने का एक फॉर्मूला बताया है, आप इसको ट्राई करिए, और लोग अगर आपकी वीडियो को कॉन्टेंट को पसंद करेंगे तो वो दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे और आपके चैनल पर दोबारा भी विजिट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो मेरी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो को मिस ना आप करें। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।